श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दोनों हाथ से हरि नाम की ताली बजाओ सभी होता है ना पाप बैठा होता है कलयुग वो ताली नहीं बजाता जिसके जीभा पे पाप होता है वो भगवान का नाम नहीं लेता जिसके कान में पाप होता है वो हरि नाम सत्संग नहीं सुनता जिसकी आंख में पाप होता है वो भगवान के दर्शन नहीं करता ठीक है आप सब पुण्यात्मा हैं आप सब पर भगवान की कृपा है तभी आप आज यहाँ पधारे हैं इसलिए दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाते हुए और जीवा से प्रभु का नाम गाएंगे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सब में तेरा दर्शन पाऊं सब में तेरा दर्शन पाऊं माता पिता तुम ही मेरे भगवान माता पिता तुम ही मेरे भगवान हो सब को सन्मति दे कहते भोजन की शोभा थाली से होती है बगीचे की शोभा माली से होती है कान की शोभा बाली से होती है और हरि कीर्तन की शोभा हरि नाम की ताली से हरि बोल
जय राम जय जय राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम बोलो सभी ताली बजाते हुए पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम पतित पावन सीताराम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम पतित पावन सीताराम बोलो श्री राम जय राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरि हरि बोल धनासन नाम की ताली बजाते हुए कोई रहे ना खाली भाव से प्रेम से श्रद्धा से हरिओम शाबाश बजाओ ताली कोई रहे ना खाली अगले पीछे दाएं बाएं ओम 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 और जब मैं हाथ ऊंचा करूंगा आप भी हाथ ऊंचा करके जोर से खिलखिला के हंसना हरिओम ओम 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 राम 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 ओम 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 दोनों हाथ ऊंचा करके ऐसे करो ये दोनों हाथ ऊंचा करने का मतलब होता है आज से हम भगवान की शरण है किसकी शरण है भगवान की शरण है गुरु की शरण है बॉर्डर पर जब सिपाही हाथ नीचे कर लो धीरे धीरे जब बॉर्डर पर सिपाही लड़ते लड़ते हार जाता है बंदूक हथियार डाल देता नीचे और हाथ ऐसे कर देता है तो हम सब भी भगवान के समक्ष गुरु के समक्ष दोनों हाथ ऊंचा करके और हमें रोज ऐसी भावना करना चाहिए कि अब हम किसकी शरण है भगवान की शरण